हाई पे ज्यादा अच्छा चल रहा है। अभी मैच स्टार्ट नहीं होता, कोई बात नहीं, अभी होगा, कतले आम होगा, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं है। वो गाइस, मैंने कुछ दिनों पहले Realme 6 में PUBG खेला था GFX टूल के साथ में, बट आप लोगों की डिमांड है कि बिना GFX टूल के साथ में मैं इस फ़ोन में PUBG खेलूं और देखूं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है। बाय द वे, जैसे आप लोगों को पता ही है कि इसमें Helio का G90T प्रोसेसर है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर है, लिटरली मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो प्रोसेसर। और ग्राफिक जो है, मतलब GPU जो है, मान लीजिए G76 है आई गेस, तो जो GPU है उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। मैंने Redmi Note 8 Pro में भी ट्राई किया है सेम प्रोसेसर और सेम GPU, तो ओवरऑल मुझे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगती है। बट लास्ट टाइम पे जब मैंने PUBG खेला इसमें तो GFX टूल डाल के खेला, और आप लोग चाहते हो कि मैं बिना GFX टूल के साथ खेलूं, तो आज मैं लेके आया हूं गेम प्ले बिना कोई GFX टूल के। तो एक्चुअल में जब आप फ़ोन अनबॉक्स करते हो या फ़ोन जब लेते हो तो इस तरह से एक्चुअल परफॉर्मेंस मिलती है हमें इस फ़ोन में, इस Realme 6 में। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ ज़हीर एंड दिस इज़ अ PUBG गेम प्ले रिव्यू ऑफ दिस Realme 6 विदाउट एनी GFX टूल। सो लेट्स बिगिन। PUBG मोबाइल का गेम प्ले रिव्यू बिना GFX टूल के साथ में करूंगा, और मैं ये बैटरी टेम्परेचर ऐप है इसका यूज़ करके मैं टेम्परेचर का पता लगाऊंगा। और करेंटली जो बैटरी है वो 53% है, जैसे कि आप लोग इधर देख रहे हो। तो हम लोग खेलते हैं फटाफट गेम और देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है ये फ़ोन। तो गाइज, मैं फटाफट आप लोगों को अगर सेटिंग्स दिखा दूँ, तो करेंटली ग्राफिक में HD पे हमें हाई की सेटिंग खाली मिलती है, और बैलेंस पे हमें अल्ट्रा की मिलती है। इवन तो G90T जो है वो एक्सट्रीम की सेटिंग सपोर्ट करता है, बट आई मीन HDR भी सपोर्ट करता है, बट ये जो 4GB वाला वेरिएंट है, ये इसमें 4GB रैम है, इसमें शायद वो सपोर्ट नहीं करता, ऐसा सुनने में आया मुझे। 6GB रैम वाला किसी के पास है नहीं, अगर किसी के पास होगा तो मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताओ कि 6GB रैम वाले में वो सपोर्ट करता है कि नहीं। तो बस हाँ, अभी चलो खेलते फटाफट। एक्चुअली ये फ़ोन ना मुझे ज़्यादा पसंद क्यों आता है, ये एक छोटा सा नॉच इधर, तो टेंशन नहीं है, मस्त एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री गेम प्ले होता है। और बाय द वे, ये जो फ़ोन है ये है Realme 6 Pro और ये है Poco X2, सो कंपैरिजन के लिए रेडी रहो गाइस। और आप लोगों को कैसा कंपैरिजन चाहिए वो भी बता दो, तो मैं उसके हिसाब से भी वीडियो बनाते रहूँगा। टीम मैच, लेट्स गो। चलो ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छा है, सब बुरा नहीं है कुछ। बाप रे, क्या मारा है भाई। बाय द वे, स्पीकर यहीं पे, तो आसानी से तुम ब्लॉक कर सकते हो, तो हाँ ये चीज याद रखना। मुंह पे आके मारेगा तो मरेगा ही ना बे। इतना बड़ा बड़ा दिख रहा ना, एकदम अजीब ही लग रहा है। अरे रे 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 रे, भाई साहब तो मर गए थे ना, भाई साहब वापस जिंदा हो गए। अबे घूमता काहे नहीं है बे, तो बड़ा दिक्कत देगा मुझे। वेल, मेरे को सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी गाइस, वो घूम रहा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। घुमा घुमा, ये ऐसा टैप करके घूमना अच्छे ना, वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं FPS की बात करूं तो मैं इसको लॉक कर देता हूं और दिखाता हूं आप लोगों को, वो खुल नहीं रहा, गेम सेंटर में खुल रहा है। The red team is in the lead. ऐसा गेम सेंटर आता वो नहीं खुल रहा है, तो FPS तो फिलहाल नहीं देख सकते, बट अगर मैं बात करूँ FPS की तो लगभग 30-35-40 के आसपास दे रहा रहेगा मेरे हिसाब से।
ऐसा बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है बट हाँ प्लेबल मैं बोल सकता हूँ। सब मिल के मार रहे भाई लोग, देखो देखो बताता हूँ अभी तुमने, तुम लोग बहुत नाटक हो रहा है। सब मिल के मारते अच्छा पीछे, अच्छा इधर लेट के मार रहा बंदा, अरे बाप रे बाप, भाई 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 बहुत दूर दूर से पब्लिक मारती है ना। थोड़ा सा हम भी एक बार लेट के ट्राई करते हैं कैसा गेम प्ले होता जरा देखे तो। अच्छा बेटा सही खेल गए, हमारे रीलोडिंग का फायदा उठा लीजिए। Be careful, you're losing the game. The red team is about to win. Killing spree for the red team. Half of the match. क्या मार रहे हैं बेन लोग? Cover me. एक जन को तो मारने दो बे। Red team victory. क्या फायदा, हार गए ना अभी, बट स्टिल 8 किल किया हूँ। ओवरऑल गेम प्ले ठीक ठाक था, ऐसा कोई बुरा नहीं मैं बोलूंगा, अच्छा था एक्चुअली में, मतलब अल्ट्रा के हिसाब से तो अच्छा ही था। अभी मैं सेटिंग में जाके एक बार और चेक कर देता हूँ, तो हाँ बैलेंस पे अल्ट्रा पे अच्छा चल रहा था। अगर मैं इसको स्मूथ पे बैलेंस पे हाई पे रख के खेलते एक बार, देखते कैसा परफॉर्मेंस आता। गाइस 13,000 रुपये का फ़ोन है तो ये चीज़ भी ध्यान में रखो, लेकिन हीलियो G90D प्रोसेसर है वो काफ़ी पावरफुल है यार, मतलब मैं सोच रहा था कि थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा। और अगर आप लोगों को JFX टूल के साथ में देखना है कैसा परफॉर्मेंस मिलता है तो मैंने उसकी ऑलरेडी वीडियो बनाया, मैं इधर आई कार्ड में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। उसमें JFX टूल के साथ में तो बहुत ही मस्त पसंद करता है। अभी ये हाई पे है, अभी हाई पे तो उससे भी अच्छा चल रहा है, मतलब एक्चुअली में उससे भी अच्छा चल रहा है, मतलब अल्ट्रा से भी अच्छा हाई पे चल रहा है। नाइस, मैंने सोचा हाई पे कम अच्छा चलेगा लेकिन हाई पे ज़्यादा अच्छा चल रहा है। अभी मैच स्टार्ट नहीं होता, कोई बात नहीं, अभी होगा, कतले आम होगा, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं है। वो भाई लोग, तुम्हारा भाई ने फर्स्ट स्कोर किया है, सीधा हेड शॉट। ओ माँ की आंख, गोली नहीं थी, रीलोड करना पड़ा। शे साला जाम हो जाता है ऐसा लगता है कभी कभी। अच्छा मार दिया उसने, भाई ने मार दिया अपने। अटक रहा है गाइस, बहुत अटक रहा है गेम। देखो गेम काफी अटक रहा है, गेम बहुत ज्यादा अटक रहा है अभी, तो मैं इसको एक बार और थोड़ा सेटिंग कम कर देता हूँ, स्मूथ पे करके खेलते हैं।
बैलेंस पे गेम अटक रहा तो मजा नहीं आता यार, लेकिन उसमें तो बड़ा अच्छा चल रहा था, मतलब GFX टूल डाला था तो बहुत ही मस्त चल रहा था। चल बे थोड़ा सा रीलोड कर लो फिर जाके मारो, जान रीलोड कर दो, आई मीन गोली तो रीलोड हो जाएगी। वो एक सेकंड में आके मार के चल दिया भाई, सही है, बड़ी जान रीलोड करनी पड़ी थी तुमको। भाई क्या मार रहे हैं लोग, घुमा फिरा के यहां से वहां से मार रहे, कुत्ता बना बना के मार रहे हैं हम लोग को। अरे यार जैसे रिलोडिंग पे डाला वैसे आ गया सामने से बंदा, वरुण शर्मा अरे नूब मैं नूब। अच्छा पीछे भी था मेरे, अब की बार तो कोई मर ही नहीं रहा, मतलब फाइनली एक तो मरा, लेकिन गाइस डिफरेंस देखो हम लोग के उन लोग के किल में, हम लोग के टीम में सिर्फ तीन ही मेंबर हैं। आई नो क्या मार रहे यार ये लोग। बहुत गंदा हारे हम लोग, आई मीन परफॉर्मेंस भी इतना कुछ खास नहीं था। चलो अभी बंद करता हूँ मैं गेम, और अभी मैं आप लोगों को टेम्परेचर दिखाता हूँ, तो टेम्परेचर 38 डिग्री है, फ़ोन तो गर्म नहीं है इतना, मतलब थोड़ा बहुत गर्म है, वार्म तो है लेकिन था मैं ओवर हीट नहीं बोलूँगा डेफिनेटली, और बैटरी कुछ 49% है 48%, ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, मतलब एंड टाइम पे तो बहुत ही बुरा था, स्टार्टिंग में जब मैंने चालू किया था गेम तभी तो अच्छा चल ही रहा था गेम, बट जब मैंने इसको कम किया HD से हटा के मीडियम पे लेके आया तो फिर मज़ा नहीं आया, फिर गेम बहुत ही चॉपी होने लगा, बार बार फ्रेम ड्रॉप्स आ रहे थे, अटक रहा था गेम, तो उतना मज़ा नहीं आता। इससे बेटर कि हम लोग वो GFX टूल डाल के ही खेले, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है ये फ़ोन में, स्पेशली ये Realme 6 में। बस गाइस इतना ही बोलना था, कंक्लूजन वाइज तो फ़ोन मतलब ठीक ठाक है, मतलब पबजी का गेम प्ले कर सकते हो उसमें। सो बस गाइस इतना ही बताना था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करो, और गाइस इस वीडियो को शेयर करो ताकि तुम्हारे दोस्त लोग को भी मालूम पड़े कि एक्चुअल में जब हम पबजी खेलते हैं इस फ़ोन में, इस फ़ोन को खरीद के, तो किस तरह से हमें मिलता है गेम प्ले। समझ में आया? अगर आया तो शेयर करो ताकि उन लोगों को भी समझ में आए। बस मेरा कंटेंट पसंद आता तो सब्सक्राइब करो चैनल को और घंटे के आइकन को दबा दो ताकि फ्यूचर में इसी तरीके की अमेजिंग क्वालिटी की टेक वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।